नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। माओ ने अपने बच्चों को डराकर सुलाने के लिए शेर भेड़ियों का नाम बहुत लिया होगा, लेकिन क्या कभी वाकई किसी माँ ने सोचा होगा कि अगर सच में भेड़िया आ जाए तो क्या होगा। अभी कुछ महीनों पहले आई फिल्म भेड़िया ने भेड़िया जानवर को लेकर एक अलग सोच विकसित की, लेकिन ये सब थी केवल काल्पनिक बातें ही। मगर खौफ का आलम तो अब शुरू हुआ है जब ये भेड़िये कहानी से निकलकर असल जिंदगी में दहशत फैला रहे हैं। क्या हो सोचिए कि अगर अचानक आपके सामने भेड़िया आ जाए या आपके बच्चे को उठाकर ले जाए, डर लगा ना? सोचिए ये सब हो रहा है सच में, जहां ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच है, एक डरावना सच। उत्तर प्रदेश के दो जिलों और उनके आसपास बाघ और भेड़ियों का आतंक चरम पर है। बहराइच में भेड़ियों ने एक अलग ही डरावनी कहानी गढ़नी शुरू की है, जिसका अंत कब होगा कुछ पता नहीं। देखिए यह रिपोर्ट और जानिए कैसे कहानियों से निकलकर असल जिंदगी में आ चुके हैं भेड़िये। रात का अंधेरा कभी दिन का उजाला लोगों को डरा रहा है, क्योंकि कोई आ रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों ने अब तक 9 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है, जिसमें 8 बच्चे हैं और कम से कम 25 लोगों को घायल किया है। भेड़ियों के हमले से बहराइच के कम 50 गांव में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ पाई है, लेकिन 2 नरभक्षी भेड़िये अभी भी पकड़ से बाहर हैं। उन्हें पकड़ने के लिए ड्रोन से लेकर नाइट विजन कैमरों तक का सहारा लिया जा रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि अगर भेड़िये पकड़े नहीं जाते हैं तो उनको गोली मार दी जाए, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर भेड़िये जंगल की कहानियों से निकलकर कैसे बाहर आ गए। भेड़ियों के बारे में आपको कुछ और बताएं, उससे पहले भेड़ियों के बारे में कुछ रोचक बातें जान लीजिए। भेड़िये 36 से 38 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। भेड़ियों के झुंड में 7 से लेकर 30 सदस्य तक हो सकते हैं। भेड़ियों के 42 पैने दांत होते हैं, शिकार को पलक झपकते गिरा देते हैं। भेड़िये अमूमन 6 से 7 साल तक जिंदा रहते हैं। भेड़िये में अपने समूह में एक दिन में करीब 50 किलोमीटर तक का सफर करते हैं। रिसर्च के मुताबिक भेड़िये 2.5 किलोमीटर दूर तक शिकार को सूंघ सकते हैं। अब तक कहानियों में आपने सुना ही होगा कि भेड़िये बहुत शर्मीले होते हैं, लेकिन ये नरभक्षी कैसे बन गए ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। आज भेड़िये आतंक मचा रहे हैं, उसकी वजह भी हम हैं। प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिसे हमें समझने की जरूरत है। भेड़िये दुनिया में लगभग हर जगह पाए जाते हैं, मगर भारत में पाई जाने वाली प्रजाति सबसे प्राचीन है। ये बाघ से भी ज्यादा दुर्लभ हैं। इनकी संख्या करीब 2000 के आसपास बची है। आमतौर पर भेड़िये झुंड में शिकार करते हैं, जब जंगल में शिकार पर्याप्त मौजूद हो, लेकिन जब शिकार कम होते हैं और इन्हें बकरी या भेड़ जैसे जानवरों का शिकार करना पड़ता है, तब ये अकेले निकलते हैं। अब कहा जा रहा है कि इनका खाना जंगलों में खत्म हो गया है, क्योंकि इनका खाना भी इंसान खाने लगे हैं, जिसके बाद अब इन्होंने इंसानों को खाना शुरू कर दिया है। और केवल यही कारण नहीं है, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कई बार किसी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट या दूसरी वजहों से जब कोई भेड़िया चोटिल हो जाता है तो आसान शिकार तलाश करने लगता है। इस केस में इंसान के बच्चे उन्हें सॉफ्ट टारगेट नजर आते हैं। भेड़िये अमूमन अपने साइज से छोटे जानवर का शिकार करते हैं, जैसे छोटी बकरी या मेमना। वो ऐसा जानवर तलाशते हैं जिसे आसानी से अपने मुंह में दबोच सके। इंसान के 2 से 3 साल के बच्चे उसके लिए बिल्कुल सूटेबल हैं। वे कोई प्रतिरोध भी नहीं कर पाते हैं और शिकार आसान होता है, इसलिए भेड़िये उन्हें टारगेट करते हैं। एक बार झुंड के किसी भेड़िये के मुंह इंसान का खून लग गया तो दूसरे भी इसी पैटर्न को फॉलो करने लगते हैं।
बहराइच के केस में भी यही हो रहा है और केवल बहराइच ही नहीं और भी राज्य हैं जहां भेड़ियों का आतंक दिखता आया है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि भारत में भेड़ियों के हमले 8वीं शताब्दी के अंत में हुए थे। देश में यूपी, बिहार और झारखंड ऐसे राज्य हैं जो भेड़ियों के हमलों से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो पिछले कुछ वर्षों में हमले बार बार हो रहे हैं। 1904 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भेड़ियों ने 75 बच्चों पर हमला किया। 50 हमले जानलेवा साबित हुए। हजारीबाग क्षेत्र में 1000 और 1900 के बीच भेड़ियों द्वारा 200 से अधिक बच्चों को मार डाला था। आंध्र के अनंतपुरम क्षेत्र में भी 1980 के दशक की शुरुआत में हमलों की बाढ़ देखी गई। 2012 में जम्मू कश्मीर, बंगाल और यूपी में भेड़ियों के हमलों की सूचना मिली। वहीं एक सवाल और भी बहुत पूछा जाता है कि क्या वाकई भेड़िए के काट लेने से इंसान भेड़िया बन जाता है। मानव भेड़िया को लेकर दुनिया में कई तरह की थ्योरीज हैं। इतिहास में भेड़िया मानव का पहला जिक्र 2400 साल पुराना है। आज जहां पोलैंड और बेलारूस है वहां कभी नेउरी जनजाति थी। माना जाता है कि इस जाति के लोग साल में एक बार भेड़िया बनते थे। 425 में आई इटली की एक किताब द सिटी ऑफ गॉड के राइटर बिशप सेंट ऑगस्टाइन ऑफ हिप्पो ने भी ऐसी डायनो का जिक्र किया है जो भेड़िए में बदल जाती थी। लेकिन इतिहास में कई ऐसी घटनाएं भी हुई जो साबित करती हैं कि कहीं ना कहीं मानव भेड़िए की कल्पना भी सच हो सकती है। 1603 में गेस्कॉनी फ्रांस के एक गाँव में लोग लगातार गायब होने लगे। छानबीन में एक 12 साल की लड़की ने बताया कि पूर्णिमा की रात आदमी की तरह दिखने वाले एक भेड़िए ने उस पर हमला किया था। ऐसे ही 1685 में बवेरियन शहर में भी एक भेड़िए ने दहशत पैदा की थी। स्थानीय लोगों का मानना था कि उस शहर के मेयर ही वेयरवुल्फ बनकर रात को घूमा करते हैं। हालांकि ऐसा सच था या झूठ ये कहना मुश्किल है। वहीं भेड़ियों को पकड़ना सबसे मुश्किल टास्क है। भेड़िए बहुत चालाक जानवर हैं और इनका आपसी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। ये जरा सी आहट को महसूस कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनका कद बहुत छोटा होता है। खेतों में छिप कर चलते हैं और आसानी से नजर नहीं आते, इसलिए इनको पकड़ना चुनौतीपूर्ण है। भेड़ियों के हर एक झुंड में एक अल्फा भेड़िया होता है जो सबको लीड करता है। जब तक उसको पकड़ा ना जाए तब तक पूरे झुंड को कंट्रोल करना मुश्किल है। बहराइच के केस में संभवतः अभी तक अल्फा भेड़िया नहीं पकड़ा गया है, इसलिए उनके हमले अब भी जारी हैं। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि अगर कभी आपका सामना भेड़िए से हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्या करें जब भेड़िए से सामना हो जाए। तो कंजर्वेशन नॉर्थ वेस्ट की रिपोर्ट कहती है कि जब भेड़िए से सामना हो जाए तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आक्रामक भेड़िए या भेड़ियों के झुंड की तरफ अपनी पीठ ना दिखाएं। अगर वो दूर हैं तो भेड़िए का सामना करते समय धीरे धीरे पीछे हटें। अगर संभव हो तो उससे आंख से आंख मिलाकर देखते रहें। अगर आप किसी साथी के साथ हैं और वहां एक से अधिक भेड़िए मौजूद हैं तो धीरे धीरे भेड़ियों से दूर जाएं। एयर हॉर्न या अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों का प्रयोग करें। भेड़ियों को पास आने से रोकने के लिए डंडों, शाखाओं या अन्य उपयोगी वस्तुओं का आक्रामक तरीके से उपयोग करें। कोई भेड़िया आप पर हमला करता है तो किसी संभव तरीके से उसका मुकाबला करें, जैसे लाठी, पत्थर या ऐसी चीज जिससे वार कर सकते हैं। अगर पेड़ है तो वहां चढ़ जाएं। भेड़िया पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। देखा जाए तो भेड़िए आम तौर पर इंसानों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। भेड़िए तब तक इंसान के पास नहीं आते या उनका शिकार नहीं करते जब तक उन्हें इंसानी परिवेश की इसकी आदत ना हो, इसलिए भेड़िए से दूरी बनाए रखना जरूरी होता है। मगर इंसान भी अब जंगलों तक इस कदर पहुंच गया है कि जंगल में रहने वाले बाहर आने लगे हैं। बहराइच में वन विभाग की टीमें रोज नए नए चक्रव्यूह रच रही हैं, लेकिन आदमखोर भेड़िए माइंड गेम में वन विभाग की टीम से भी दो कदम आगे चल रहे हैं। अब ये साफ हो चुका है कि खतरे को भांपते हुए आदमखोर भेड़ियों ने अपनी स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव किया है। ऐसे में ये सब संकेत हैं कि आने वाले समय में जरूर ऐसी और समस्याओं का सामना इंसानों को करना पड़ सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।